हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि ग्रे मार्केट में होने वाली डिमांड की असली सच्चाई मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। काला सच भी आप इसको कह सकते हो। ईएमआई आईपीओ ग्रे मार्केट आपको 25 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए पता होगा, लेकिन 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए तक की डिमांड निकलती दिख रही है। मतलब 6 से 8 रुपए की डिमांड, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे 8 रुपए तक की डिमांड पर शेयर की जीएमपीएस का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो काला सच जो ग्रे मार्केट में हमेशा से होता आया है। मैं जब भी आपको समझाता हूँ तो आपको ये चीजें लगती थी कि यार क्या ही बोल रहा है, कई बार कमेंट भी ऐसे आते थे। तो यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाला हूं सब कुछ। मैं करना है आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर जो आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो मत करना, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में काफी काम आने वाला है, ग्रे मार्केट को जीएमपी जो निकलती है उसको समझने के लिए। और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम एसएमटी हमेशा आपके जनरल अपडेट्स लाता रहता है। जनरल अपडेट्स की लिस्ट में आपके लिए आईएक्स की डिटेल रिव्यू चैनल पे डाला जा चुकी है, क्यों गिर रहा है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी आगे हमें रखनी है। विकास लाइफ केयर 5 रुपए का शेयर है, मात्र बंपर इसमें न्यूज आता दिख रहा है, 3-4 दिन पहले का एक्विजिशन, फिर एक्विजिशन, बढ़िया इसमें गेन भी देने को मिल रहा है। तो गाइस ये वाली दोनों वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नंबर एक, नंबर दो पे जाके देखना, उसके नीचे आपको टेलीग्राम का। तो यहां पे चलिए डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में बचा क्या है? कल है इसकी लिस्टिंग, लिस्ट में स्ट्रेटजी मैंने डाल दी थी कि स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, कहां हो सकती है लिस्टिंग और एग्जैक्टली व्हाट टू डू। थोड़ी देर बाद एक बार मैं फिर से आपको अपडेट कर दूंगा एग्जैक्टली लिस्टिंग कहां हो सकती है, ठीक है? तो गाइस सब कुछ आपको पता है यहां पे। अब यहां पे मैं आ गया अपने टेलीग्राम हैंडल पे, जो एसएमटी का ओरिजिनल टेलीग्राम हैंडल है, ठीक है? यहां पे आपके सामने 14th ऑफ अक्टूबर का मैंने ओपन कर दिया, उसके पहले का है, ठीक है? आपको पहले बता दूं कि इनका नाम, डिस्प्ले पिक्चर ये सब हटा दूंगा, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये चैट दिखेगी, मैंने रेड ऐसे कर दिया, ये सब क्रॉप कर दूंगा मैं। तो यहां पे देखो इन्होंने मैसेज किया 14 अक्टूबर को, यानी कि अभी के 2 दिन पहले, हेलो भाई ईएमआई का जीएमपी क्या चल रहा है, मुझे कोई 2000 में खरीद रहा है, 2000 का मतलब ये है 8 रुपए, 9 रुपए के आसपास की जीएमपी, 254 शेयर है, 2000 से डिवाइड कर दो, ठीक है? यहां पे मैंने बोला 22 से 25 रुपए जब इसने लो बनाया था, ये आप जाके चेक कर सकते हो। तो उन्होंने बोला अलॉटमेंट हुआ है मेरे को, दे दूं या होल्ड रखूं? मैंने कहा आज मार्केट पॉजिटिव है, रुक जाओ अभी मत दो, ओके फिर उसको ना बेचूं। तो इन्होंने मैसेज किया पर मार्केट हार्स में, ठीक है? ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, काफी पहले से मैं इनको जानता हूं, पर आईपीओ वाले मामले में ये अभी नहीं आए हैं। यहां पे इनको बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे तो मार्केट हार्स में मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, फिर मैंने बाद में इनको रिप्लाई दिया कि जीएमपी क्या चल रहा है, तो मैंने फिर इनको बताया कि रुक जाओ 2000 में मांग रहा है मत बेचो, ऊपर से 17,000 रुपए दे रहा है, ठीक है? 17,000 का मतलब ये हुआ कि 15,000 रुपए साइज जो था लॉट का और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा। अभी यहां पे गई, मैंने बोला रुक जाओ, ओके शाम में कंफर्म करके बता दूंगा। फिर मैंने इनसे बात करी जीएमपी लेटेस्ट पूछ के, इन्होंने बोला 25 चल रहा है, ठीक है? फिर मैंने बोला 30 से 32 चल रहा है, किसने बोला आपको 25, कहां से पूछा, किस सेंटर पे इन्होंने पूछा? तो इन्होंने तो कहीं वेबसाइट पे या कैसे भी देखा होगा, पर इन्होंने बोला नहीं मैंने रियल पूछा है। तो मतलब किस सेंटर पे, इन्होंने बताया सूरत के सेंटर में, सूरत में इसकी डिमांड काफी अच्छी निकलती दिखती है, मतलब ग्रे मार्केट का अगर जो हब बोले ना, सूरत महाराष्ट्र आपको देने को मिल जाएगा मेनली उधर से, ठीक है? और भी कई जगह है पर मेन यहीं पे। तो इन्होंने बोला सूरत, मैंने कहा ओके ठीक है मत बेचो इसको, रुक जाओ आप। मैंने बोला 25 से 30 रुपए इजिली सेल हो रहा है, तो आपके सामने स्क्रीन पे है, मैंने बोला 25 से 30 रुपए इजिली सेल हो रहा है जीएमपी, डोंट सेल। और बाद में वो आपसे 3,000, 4,000, 5,000 में भी ले लेगा, और वो बोल रहा है कि आज के दिन सिर्फ मैं लूंगा, वो कल परसों भी आपसे लेता हुआ दिख जाएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। उसके बाद बोला कि मेरे को बेचना है तो 25 में बेच सकता हूं, आप बिकवा दो। तो मैंने इनको रिकॉर्डिंग भेजी कि सर जी मैंने इसमें डील नहीं करता, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, मैंने बोली कि मैं डील नहीं करता ग्रे मार्केट में, मैं सिर्फ नॉलेज रखता हूं, कुछ मेरे जानने वाले लोग डील करते हैं, पर मैं ये नहीं करवाता कि बेचूं खरीदवाऊं, ठीक है? उसके बाद बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक भेज दो वीडियो में, मैंने इनसे जब परमिशन मांगी थी कि आपका यूज कर लूं मैं। उसके बाद फिर इनका आया 15 को कि साहब जीएमपी क्या चल रहा है ईएमआई का, तो मैंने बताया 30 से 31 अराउंड चल रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। बोला वो फिर से 2000 में बोल रहा है, उसने बोला था एक दिन में ही सिर्फ मैं लूंगा, फिर से वो 2000 रुपए में मांग रहा है। मैंने बोला कि बट आप बोल रहे थे कि आपसे वो एक दिन बाद लेगा नहीं, पर देखो वो आज भी मांग रहा है और आगे भी आपसे मांगता रहेगा जब तक लिस्ट ना हो जाए। तो बोले इतने क्या ही करूंगा। फिर बोले कि वो 2500 दे रहा है आज, मतलब वो 2500 रुपए पे आ गया, 2000 से बढ़ा कुछ ना कुछ, और ये बोल रहे थे कल से वो बोल रहा नहीं लूंगा मैं। उसके बाद इन्होंने फिर कि तेरे को मैं लास्ट ले लूंगा, और ये आज की बात है, अभी शाम की बात है 4:25 की, और यहाँ पे 4 लॉट उसने किसी से 1500 रुपए में लिया है। जब आप 1500 को डिवाइड कर रहे होगे तो 5 रुपए 90 पैसे इसकी जीएमपी आती दिखेगी, मतलब 6 रुपए अराउंड, और जब 2000 करोगे 2500 करोगे तो 10 रुपए के अराउंड आती हुई दिखेगी आपको। तो यहाँ पे ये चैट आपको खत्म हो गया। फिर किसने मिल रहा है ये सब हमारी थोड़ी बहुत बात हुई बस, और उन्होंने बताया कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो भी है। इसके बाद थोड़ी सी बात हमारी हुई ये। तो ये है ग्रे मार्केट प्रिंट की सच्चाई, जो आपको हमेशा लगती है कि अरे सर आप कैसे 30-32 कह रहे हो, मार्केट में तो 25 दिख रहा है। जब आप किसी वेबसाइट पे चेक करते हो, सपोज आईपीओ डिटेल्स नाम की एक वेबसाइट है www.ipodetails.com, इस पे जाओगे ना तो मैं यहां पे इस डेट को जो आपके सामने डेट लिख रही है ना 14
4 अक्टूबर 2022 इसको मैं ऑटोमेटिकली सेट कर सकता हूँ कि 4 का 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए। लेकिन इसके बगल में यहाँ पे जीएमपी डेटा जो मैंने ₹50 लिखा हुआ है इसको ऑटोमेटिकली सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिमांड रियल नहीं होती है। ये डिमांड ग्रे मार्केट कोई ऑफिशियल मार्केट नहीं है, अनऑफिशियल मार्केट। जैसे इनसे पूछ लिया, मेरे से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया, जो डिमांड निकली वही, जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे करना पड़ता है अपडेट। तो वेबसाइट्स वाले क्या करते हैं, जो एक बार डाल दिया वही चलने दिया, फिर कहीं से खबर उड़ती हुई तो उन्होंने अपडेट कर दिया, वरना नहीं किया, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। तो वेबसाइट्स के भरोसे इसलिए। और आपने हमेशा देखा होगा एसएमटी पहले आपको जीएमपी अपडेट करता है, उसके बाद आपको जीएमपी देखने को मिलती है बाकी सारी। एंड गाइस अगर जो आप बोलोगे इसमें काला सच जैसी क्या बात है, तो गाइस यहां पे आपको बता दूं कि डिमांड ₹10-15 तक की निकलती दिखती है, पर लोग पंप करते हैं। मैंने दो मेजर जगह बताई आपको, ठीक है, हैदराबाद में भी होता आई थिंक, पर वो मैं कंफर्म नहीं हूं। ये दो मेजर जगहों पे ग्रे मार्केट में डिमांड निकलती है और यहां पे लोग पंप करते हुए दिखते हैं। सपोज मेरी कंपनी का आईपीओ है, मैं वहां पे अगर जो बिकवाली निकाल दूं तो मैं पंप कर सकता हूं अपने थोड़े से पैसे खर्च करके। इसलिए ग्रे मार्केट को 100% या 70% भी नहीं माना जा सकता है, 50-55% बहुत ज्यादा 60% मान लिया, पर ये भी बहुत ज्यादा है कि हाँ भैया ठीक है। रियल डिमांड जैसी चीजें आपको लगभग सी नहीं पता चलती है, जो हमें बताते वो भी मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली बताता हूं, इसलिए मैं दो डिजिट लेके रखता हूं बीच का गैप। तो गाइस आपके सामने है, आप इसको ₹8 मानोगे, ₹6 मानोगे, ₹10 मानोगे या फिर ₹30 मानोगे। और ये लाइव चैट था, लाइव डाटा था, और सूरत की मेन मंडी से ये डिमांड निकलती, देखिए मेन जगह, इनका घर वहीं पास में ही है और ये मुझे पहले से पता है वो लोकेशन, बस मेरी इनसे बात होती थी, मुझे नहीं पता था ये सूरत के हैं, और आपको मैंने दिखा दिया। ये एक्चुअली रात को बात होती थी ना, मेरे दिमाग में खुराफात हो जाने का, चलो बताता हूं मैं। इसके पहले भी कई बार ऐसे बात होती थी पर मैंने कभी सोचा लाइव दिखाऊंगा नहीं, लेकिन फिर कुछ कमेंट्स देख के और ये देख के मैंने ये डिसीजन लिया। तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए जब भी आप आईपीओ अप्लाई करो आगे किसी भी आईपीओ में। तो यहां पे इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मैं आपको बताऊं, इसके पहले देख लो शेयर मार्केट टॉक्स का वही टेलीग्राम हैंडल जहां पे वो मैसेज आया था, लोग बंपर यहां पे कॉल से पैसा बनाते हुए दिख रहे हैं, बंपर पैसा बनाते हुए, ये देख लो आप, ठीक है, आपके सामने कॉल है निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक एफएनओ कॉल। उसके बाद यहां देख लो, अगर जो परफॉर्मेंस दिखाऊं तो 1,000 से 17,000 आराम से कमा सकते हो आप, ये इस ग्रुप में कॉल दी जाती, ठीक है। तो आपको परेशान जरूरत नहीं है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे लिंक देने को मिल जाएगा और नंबर 2 पे जो लिंक देखने को मिल जाएगा वो न्यूज चैनल का, जहां पे मैं सब कुछ शेयर करता हूं। और एक बात आपको और बता दूं कि गाइस अगर जो आप इस तरीके से यहां पे मैसेज करो, जैसे उन्होंने मेरे से बात करी, वो बहुत पहले से हैं, पेड ग्रुप में हैं, तो उनसे बात होती है मेरी, पर अगर जो आप ये सोचो कि मैं भी टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आपको कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, उसका रीजन है क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं उतने मैसेज का रिप्लाई दे ही नहीं सकता, 1,000-2,000 मैसेज कितने ही हैंडल करूंगा, इसलिए आपको कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछना, पता चला आप भी वहां पे जीएमपी पूछने आ जाएगा, रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो यहां पे इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ₹27 से ₹32 देने को मिल रहा है। तो गाइस अगर जो आप मानोगे तो 32 से प्लस भी देने को मिल रहा है, मतलब 32 से ₹35 की डिमांड भी कहीं पे है, तो ₹30 से ₹35 तक की डिमांड जेन्युइनली देखने को मिल रहा है। तो अगर जो मैं इसको 32 से बोलूं, 8,000 अराउंड आपको बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 54-55%, तो 54-55% से लेके आपको अप्रोक्सिमेटली 60% तक का गेन देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट रूम के हिसाब से, 55 से 60, ठीक है, इसमें 1% ऊपर 1% नीचे, यहाँ पे ईएमआई में ये डिमांड निकलती दिख रही है। यही वो न्यूज चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे कॉल ग्रुप का देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो फटाफट, आपको शानदार तरीके उसमें बताने वाला हूं। इसके बाद लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालूंगा आपके लिए, जाके जरूर देख लेना। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा इस, तो ट्रैक्शन का आपको पता है कल इसका अलॉटमेंट डेट 17 तारीख को, लिस्टिंग 20 को, फेस वैल्यू ₹1.80 पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया, बाकी आपको पता ही है, लिंक टाइम इसका रजिस्टर है, उसी की वेबसाइट आपको पता चलेगा और एसएमटी का टेलीग्राम हैंडल पे वहां पे सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। इसका जो ग्रे मार्केट है गाइस माइनस में वही चल रहा है, ₹1-₹3 का कुछ खासा डिमांड निकलती हुई नहीं दिख रही है, तो ₹400-500 का लॉस आपको देखने को मिल। कुछ पूछना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर जो आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आप सजेशन दे सकते हो। ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी ही एसएमटी की खास बात है, इसलिए मैंने आपको सारी बातें क्लियरली और सामने दिखाई है और जो था वो भी बता दिया है। तो गाइस करते हैं वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सेल दिस टू वेल दी बाबा फोन।